कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा आपको क्वालिटी में भी, और लैग भी नहीं होगा गेम। स्टार्ट करते हैं गाइस गेम लूप सेटिंग्स के बारे में लैग फिक्स करने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं सेटिंग्स, देखते हैं पहले बेसिक में तो कुछ नहीं करना है हमको, इंजन में जाना है हमको। यहाँ पे पहली बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए गाइस, कि ज़्यादातर स्मार्ट मोड ही आप रखें, आपका हाई एंड है लो एंड पीसी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर स्मार्ट मोड ही रखो, वो अपने आप ही चूज़ कर लेगा कि उसको क्या लेना है, ठीक है। और यहाँ पे रेंडर कैच टिक मार्क कर दीजिए, ग्लोबल रेंडर भी टिक मार्क कर दीजिए, रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन टिक मार्क रखिए, और अगर आपके पास जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है आपके पास अच्छा वाला, तो इसे टिक मार्क रखे, नहीं तो ना रखे, ठीक है। मेरे पास है तो मैं टिक मार्क रखता हूँ। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे एंटी अलाइज को क्या करेंगे आप, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मेरी माने आप इसको क्लोज ही रखें, अगर थोड़ा अच्छा 2GB या 4GB ग्राफिक कार्ड है तो बैलेंस पे रख सकते हो, नहीं तो यार ज़्यादा हाई एंड है आपका पीसी तो ही अल्टीमेट रखें, क्लोज रखेंगे तो ज़्यादा FPS आप निकाल पाएंगे। मेमोरी आपके पास जितनी है, पीसी का रैम आपका कितना है उस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम आपको जो भी दिखा रहा है रैम वही रख दीजिए गाइस। प्रोसेसर आप जितने भी कोर हो वो यहाँ पे शो करेंगे, अगर 8 दिखा रहा है आपको मैक्सिमम ही रखना है, जितने भी शो करें आप मैक्सिमम रख दीजिए। रिजोल्यूशन आपका पीसी का जो भी डिफ़ॉल्ट हो वो आप रखो, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ये रख सकते हो आप 1280x720, या फिर डिफ़ॉल्ट आपका जो दिखा रहा है वही आप रखिए गाइस। ओके, DPI का क्या करना है गाइस आपको, DPI अगर आपका पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है और लो एंड पीसी आपका, तो 160 पे रखे गाइस, अगर हाई एंड है ज़्यादा हाई एंड है तो ही 480 पे रखे गाइस, ठीक है, नहीं तो 160 भी बेटर है गाइस। ओके, उसके बाद चलते हैं गेम में SD सेटिंग, अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप 720 पे ही रखें, SD पे ही रखें, अगर ग्राफिक कार्ड है 4GB तक का आपके पास तो 1080 पे, और उससे ऊपर है तो 2K करो, अगर पीसी का रिजोल्यूशन 2K है तो ही 2K कीजिए, नहीं तो आप 1080 पे भी अच्छी क्वालिटी में गेम खेल सकते हो, ठीक है गाइस। और डिस्प्ले क्वालिटी अगर पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है गाइस, लो एंड है पीसी आपका, तो स्मूथ पे ही रखें, HD ना करें, नहीं तो ऑटो पे भी रख सकते हो, ऑटो पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर यार SD और स्मूथ पे खेलोगे तो बहुत अच्छा गेम चलेगा, ठीक है गाइस। ओके, उसके बाद सेव सेटिंग कर दीजिए, गेम में से बाहर आ जाए, फिर से रिस्टार्ट कीजिए, और इन गेम सेटिंग क्या रखना है आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप गाइस, स्मूथ रखें और यहाँ पे एक्सट्रीम जो आपको दिखा रहा है एक्सट्रीम वही रखें, एक्सट्रीम कलर मोड आप कोई भी रख सकते हो इसमें से, मैंने क्लासिक रखता हूँ। अब यहाँ पे आएगा एंटी अलाइज, वहाँ पे एंटी अलाइज को डिसेबल रखो या एबल रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, अगर ज़्यादा लो एंड है पीसी आपका तो फिर डिसेबल ही रखिए, क्योंकि ये मोबाइल प्लेयर के लिए एमुलेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एबल भी रख सकते हो, अगर लैग हुआ है तो डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है ऑटो ग्राफिक्स, इसको आप डिसेबल ही रखिए। ओके, देखते हैं मेरे FPS कितने आ रहे हैं, दिखाई रहा है तो 59 अप्रोक्स आ रहा है, और ट्रेनिंग में चल के देखते हैं, ट्रेनिंग मोड में आ चुके हैं गाइस, आप FPS देख सकते हो गाइस कितने आ रहे हैं, अभी 60 FPS आ रहे हैं मेरे, मीन्स 57 से कम नहीं हो रहा है। ओके, ग्राफिक को बढ़ाते हैं, हम HD करते गाइस, देखते कितना आता है, HD में भी मेरे तो 58 ही आ रहे हैं। अगर आपके पास लो एंड PC है तो मेरा ये कहना आपको स्मूथ रखे, एक्सट्रीम रखे, और बहुत ही अच्छे से चलेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्वालिटी में भी। ओके गाइस, यहाँ पे एक गन उठाते हैं हम और देखते हैं कितने आते हैं FPS, क्रूज़ा उठा लेते हैं, देख सकते हैं आप क्वालिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको क्वालिटी में भी, और लैग भी नहीं होगा गेम। थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, थैंक यू सो मच एवरीवन।